डू यू रिमेंबर द थिंग्स डट यू वर आस्क टू पैक वैन यू अर हैडिंग फॉर दिल स्टेशन जब आप हिल स्टेशन जाने वाले होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको एडवाइज़ करते हैं कि यार ये लेके जाना फिर ब्लैंट uh, लेके जाना या फिर स्वेटर लेके जाना बहुत ठंड होगी या फिर यू you नो know, चीज़ें सजेस्ट करते हैं क्लाइमेट के हिसाब से वेदर के हिसाब से वेन द स्काई इज़ क्लाउडी योर पेरेंट्स इन सिस डैट यू कैरी अमरेला जब बहुत ही ज्यादा बारिश जैसा माहौल होता है तो आप हमारे पेरेंट्स जनरली हमें बोलते हैं कि आप प्लीज़ अम्बरेला लेके जाइए Have you heard the adult elder in your family discuss the weather before the planning of family functions? आपने कभी सुना भी होगा कि आपके बड़े जब फैमिली फंक्शंस अरेंज करना होता है तब तो वेदर के बारे में डिस्कस करते ही है कि यार वेदर कैसा है क्या है उस हिसाब से फैमिली का प्लानिंग फैमिली का फंक्शन का प्लानिंग हो पाए यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम फुटबॉल और वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट जैसी इस, uh, हम लोगों ने यू you नो know, गेम में देखा ही होगा कि वो वेदर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार वेदर क्लाउडी है पता नहीं बीच में गेम रोकनी पड़ेगी कि क्या है, क्या है क्या नहीं अगर आपने कमेंट्री सुनी हो तो हैव्यू एवर वन आपने कभी सोचा है क्यों द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम क्योंकि वेदर की वजह से गेम को अफेक्ट होता है पिच खराब हो जाती है सो उसकी वजह से गेम को अफेक्ट होता है इट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अवर लाइफ एज वेल खाना पीना फिर हमारे रहने का तरीका कपड़े ये सब चीज़ों पे इफेक्ट uh, होती है मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटी आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे सो हमारी जो डेली एक्टिविटी होती है वो हम लोग वेदर के प्रडिक्शंस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं देर आर द डेली रिपोर्ट ऑफ द वैदर ऑन द टेलीविजन एंड द रेडियो एंड एन द न्यूज़ पेपर रोज़ का टेम्परेचर क्या होगा कल का क्या होगा आने वाले वीक के लिए क्या होगा ये सब चीज़ें टेलीविजन रेडियो न्यूज़ पेपर के ब्रॉडकास्ट होती ही रहती है रिपोर्ट आती रहती है बट डू यू नो दैट दिस वैदर रेली इज़ क्या आपको पता है वेदर है क्या ये लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे वैदर और क्लाइमेट के बारे में एंड हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस हिसाब से बाकी सारे लाइफ फॉर्म्स हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से वैदर के हिसाब से अपनी हैबिटेट डिसाइड करते हैं अपना रहना करना सब चीज़ें करते हैं स्पेशली एनिमल्स सेवन पॉइंट वन वैदर इन अ फिगर सेवन पॉइंट वन सैम्पल ऑफ द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर इज गिवन यहाँ पे न्यूज़पेपर का एक कटआउट दिया हुआ है कि वेदर फोकास्टिंग कुछ इस हिसाब से है सो so, ऐसा न्यूज़पेपर में आता है वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट्स कैरी द इंफॉमेशन अबाउट द टेम्परेचर डेली जो भी रिपोर्ट आती है न्यूज़पेपर में वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल जो 24 घंटे में क्या होने वाली है उसके बारे में होती है इट्स ऑल्सो प्रडिक्ट वेदर फॉर द डे और ये पर्टिकुलरली दिन का वेदर क्या होगा वो भी प्रडिक्ट करता है ह्यूमिडिटी एज यू नो एज यू माइट नो इज़ द मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द नैर यूमिनिटी का मतलब ये होगा कि हवा में वाटर वेपर कितना है ठीक है बोझो को यहाँ पे ऐसा लगता है आई वंडर हु प्रिपेयर दिस रिपोर्ट्स यहाँ पे वो क्वेश्चन करता है कि मुझे लग मुझे यू नो ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि ये रिपोर्ट्स कौन बनाते होंगे इसके लिए वेदर मेटेरोलॉजिट डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का जो ये सब चीज़ें बनाते हैं द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर बाय द मेटेरोलॉजिस्ट मेटोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट द डेटा ऑन टेम्परेचर विंड एंड द मेक द वेदर प्रोडिक्शन जो मेटेरोलॉजिकल uh, डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट के वो कलेक्ट करते हैं ये सारे डेटा टेम्परेचर के ऊपर विंड के ऊपर और फिर वेदर का प्रोडिक्शंस करते हैं एक्टिविटी सेवन पॉइंट वन देखते हैं कट आउटर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर आपको कटआउट निकालने हैं ये वेदर के लास्ट वीक के सारे न्यूज़ पेपर के एंड इफ़ यू डू नॉट गेट द न्यूज़ पेपर तो आप बोरो कर सकते हो अपने फ्रेंड या फिर नेबर के पास से ताकि आप अपने बुक में उसका रिकॉर्ड लिख पाओ यू कैन ऑल्सो कलेक्ट द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी आप ये सारे रिपोर्ट लाइब्रेरी में से कलेक्ट कर पाओ कलेक्ट कर, कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी अवेलेबल होता है पेस ऑल कट कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और द चार्ट पेपर आपको ये सब चीज़ें चार्ट पेपर में या फिर एज अ वाइट शीट के ऊपर लगानी है नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टिंग बाय यू टेबल 7.1 आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वेदर रिपोर्ट की कलेक्ट कर सकते हो सेवन में जो नीचे दिखी हुई है आप उसमें भर सकते हो द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल पहला रो एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है फिल ऑल द कॉलम अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चैट यू हैव प्रिपेर और सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है ये सेवन पॉइंट वन में कि आपने ये डेट पे ये ऑब्जर्व किया ये डेट पे ये ऑब्जर्व किया इतना मतलब आपको न्यूज़पेपर के अंदर लिखा ही है सर आपको कॉपी ही करना है ठीक है रेनफॉल इज मेजर बॉक्स के नीचे का लाइन पड़ रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल डेज सिन्स इट मे नॉट बी रेन एवरी रेनफॉल हर रोज का नहीं होगा क्योंकि शायद आप विंटर में कलेक्ट कर रहे हो वो डेटा तो Uh, वो विंटर के हिसाब से रेन नहीं होगा एवरी डे तो विंटर रेन का जो बॉक्स होगा वो खाली जाएगा लीव द स्पेस फॉर द रेन ब्लैंक रेनफॉल ब्लैंक इफ़ द डेटा इज नॉट अवेलेबल अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो रेनफॉल के लिए खाली जगह छोड़ दीजिए रेनफॉल इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द रेन गॉज रेनफॉल को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है सो रेन गॉज बोलते हैं इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद द फनल ऑन द टॉप ऑफ कलेक्ट द रेनफॉल ये एक सिलेंडर uh, जैसा होता है उसके ऊपर फनल होता है जहाँ पे सिलेंडर के अंदर रेनफॉल जो होता है वो कलेक्ट होता है और फिर मेजर किया जाता है डू ऑल द सेवन डेज सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल नहीं यहाँ पे बोल रहे कि सातों दिन का टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर और रेनफॉल या ह्यूमिडिटी सब सेम होगा नहीं द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी सेम फॉर द सम ऑफ द डे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ दिनों का सेम हो सकता है लेकिन सारे दिनों का सेम हो वैसा जरूरी नहीं है हवे ऑल द पैरामीटर आर नॉट द सेम ऑन एनी टू डेज किसी दो दिन के पैरामीटर भी सेम नहीं होते हैं ओवर ऑ वेक देर में कंसिडरेबल वेरिएशन पूरे वीक में ये सब चीजें बदलती रहेगी डे टू डे कंडीशन जो एटमोसफियर के अंदर चेंज होती रहती है रिस्पेक्टिव टू टेम्परेचर यूमिडिटी रेनफॉल वेन स्पीड इसको वेदर बोलते हैं सो so, दिन एक्चुअली एवरी दिन में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये सब चीज़ें बदलता रहता है सो so, वेदर ये डे टू डे कंसर्न टॉपिक है सो एवरी डे सब सुबह कुछ और फेल हुआ दोपहर को कुछ और फेल हुआ और रात को बारिश हो गई तो ये 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 चीज़ को वेदर बोलेंगे द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड द अदर फैक्टर ये वेदर के एलिमेंट है वेदर ऑफ द प्लेस चेंज डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक जो वेदर का प्लेस का जो वेदर है वो डे डे टू डे या फिर वीक आफ्टर वीक बदलता रहता है दैट इज़ वाई हम लोग बोलते हैं कि टू डेज वैदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर इज़ वार्म लास्ट वीक है हमें बोलते हैं ना कि यार अभी तो यार ना ज़्यादा ठंडी है ना गर्मी है लास्ट की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ये वीक The weather is such a complex फेनोमिना that it can vary over a very short period of अ टाइम वेदर बहुत ही complex फेनोमिना है change होता रहता है It can happen sometimes that is a sunny in the morning. कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह में sun निकल आया हो suddenly दोपहर को cloud आ गए और शाम तक तो बारिश हो जाए और heavy rain में vanish in the matter of the minute. और ऐसा लगे कि बारिश अभी इतनी भरपूर हो रही थी और एक ही मिनट में सन शाइन होने लगा यू मस्ट हैल सच एक्सपीरियंस और आपने ऐसे एक्सपीरियंस देखे होंगे सुने होंगे महसूस किए होंगे ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस शेयर विद योर फ्रेंड्स आपको ऐसे एक्सपीरियंस कलेक्ट करना है आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है सिंस वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना जो वेदर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेटा है सो इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट सो इसीलिए इतना ईजी नहीं है इसे प्रडिक्ट करना लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग थर्ड ऑगस्ट टू थाउजेंड सिक्स टू नाइन्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड सिक्स एट शिलॉन्ग आपको नीचे ग्राफ देखने को मिलेगा टू थाउजेंड से नाइन तक का शिलोंग मलयालम मेघालय का कुछ इस हिसाब से 7.2 का ग्राफ और मैक्सिमम टेम्परेचर बाजू में बॉक्स में दिखाया हुआ है एज इट क्लियर फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड एवरी डे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रिपोर्ट के हिसाब से एवरी डे नोट किया जाता है डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर रिकॉर्डेड हम लोग चैप्टर फोर में ऑलरेडी ये पढ़ेंगे कि uh, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर फोर में दैट स्पेशल थर्मोमीटर होता है ये पर्पज़ के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कैन यू गेस वैन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड वैन द मिनिमम टेम्परेचर बट ऑब्वियस नून के टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर होता है और शाम के टाइम पे कम टेम्परेचर होता है बोजो और पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो देख लेते हैं पहले आई वंडर डर वाई द वेदर चेंज सो फ्रिक्वेंटली और यहाँ पे बोजो बोलता है कि अच्छा पता चला अभी वेदर इतना फ्रिकुंटली क्यों चेंज होता है और पहली को क्वेश्चन होता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द वेदर इन द फर्स्ट प्लेस कि वेदर चेंज होने का सबसे पहला सोर्स क्या होता है दैट मीनस आप चेक कर सकते हो रिपोर्ट उसके लिए पहला सोर्स तो कि न्यूज़पेपर टेलीविजन में फोकस हो ही रहा होता है

All changes in the weather are caused by the sun. The sun is a huge peer of the hot gases that very high temperature. सारी चीजों का अल्टीमेट सोर्स है सन क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम us इज़ वेरी लार्ज हमसे सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इवन दैन द एनर्जी जो सन से मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है जो हीट एंड लाइट का सोर्स है सो द सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज चेंज इन द वैदर सो इसीलिए बोझ पहले का क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलेंगे कि पहले ने क्वेश्चन पूछा था कि सोर्स क्या है वैदर का चेंज होने का पहले थो. तो सोर्स है सन क्योंकि सन की वजह से ही ये एब्सोलेट चेंजेस होते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ सर्फेस ओशंस एटमोसफियर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्माइनिंग द वैदर एट एनी प्लेस और के सरफेस में ओशन में एटमॉस्फेयर में जो भी चेंज आता है वो वेदर को फोकस करने में डिटरमाइन करने में मदद करते हैं इफ़ यू लीव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट प्लेस इन द डेजर्ट और नियर द माउंटेन अगर आप दरिया किनारे रहते हो तो आपको डेजर्ट और माउंटेन्स के एरिया से कुछ अलग ही फीलिंग महसूस होगी अलग ही वेदर आपको फील करने को मिलेगा अबाउट वॉट अबाउट द टाइम ऑफ अ सनराइज एंड द सन सेट सनराइज और सनसेट के बारे में आपका क्या ख्याल है यू नो दैट इन द विटर इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डो नॉट गेट मच टाइम टू प्ले आपको विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है तो आपको टाइम नहीं मिलता खिलने का बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है इसका मतलब ये हो गया कि विंटर के अंदर विंटर के मंथ्स के मंथ्स में जो डेज होते हैं वो शॉर्टर शौर्ट, होते हैं समर की कंपेरिजन में दिया है आपको वो करना है, देखते है, जो है वो वे रिकॉर्ड करते हैं फॉर द पास्ट सेवरल डिकेट्स और उसको बहुत सालों तक मतलब दस दस सालों तक संभाल के रखा जाता है क्योंकि इसकी वजह से हम लोग वैदर के पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाते हैं द एवरेज वैदर पैटर्न टेकन ओवर द लॉन्ग टाइम से ट्वेंटी फाइव ईयर्स इज कॉल द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अगर किसी जगह का लास्ट पच्चीस साल से वही का वही टेम्परेचर है तो हम लोग उस जगह का क्लाइमेट डिसाइड कर सकते हैं इफ़ वी फाइंड आउट द टेम्परेचर एट द प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम सो हम लोग ये बोल देंगे कि वो जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है क्योंकि पच्चीस साल तक उसका टेम्परे चर इतना ज्यादा ही है सो दैट मींस वो प्लेस बहुत ही हॉट है इफ़ देर इज ऑल्सो हैवी रेन ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस तो मतलब एक जगह का बात कर रहे हैं कि वहां पे रोज ही बारिश होता है इतना ज्यादा सो so, हम लोग ये कंक्लूड कर देंगे कि, कि वहां वहाँ का क्लाइमेट ना बहुत ही ज़्यादा हॉट और वेट है मतलब बारिश बहुत ज्यादा होती है टेबल सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट थ्री में वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट द टू प्लेस इन द इंडिया सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट थ्री ने क्लाइमेटिक कंडीशन बताया हुआ है दो प्लेस का द मेन टेम्परेचर फॉर द गिवन मंथ इस फाउंड अंड टू स्टेप्स और मेन टेम्परेचर जो है वो दो स्टेप्स में आपको फाइंड करना है फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ़ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ पहले तो मंथ के अंदर कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो सेकेंड हम लोग को कैलकुलेट करना है एवरेज ऑफ द टेम्परेचर ओवर मैन ईयर बहुत सारे सालों का एवरेज फैंकन है दैट गिवन द मेन टेम्परेचर दो प्लेसेस यहाँ पे श्रीनगर है जम्मू कश्मीर एंड तिरुवंतनपुरम है केरला दोनों एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है टेम्परेचर का डेटा कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर और दोनों का मेन जो रेनफॉल है यहाँ पे वो बताया हुआ है ठीक है और ये सारे इन्फॉर्मेशन uh, मेट्रोलॉजिस्ट ने कलेक्ट करके यहाँ पे दी हुई है बाई लुकिंग एट द टेबल सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट थ्री वी कैन ईजिली सी दैट डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड केरला इससे हम लोग को पता पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर और केरला के क्लाइमेट में कितना डिफरेंस है केरला में हॉट और वेट है और जम्मू कश्मीर में मॉडरेट है ना इतना ज़्यादा हैट ना इतना वेट ठीक है पूरे पार्ट में ठंडी लगती है सिमिलरली डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन्स ऑफ द इंडिया फॉर एग्जाम्पल राजस्थान वेर शोज दैट टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर राजस्थान के बारे में बात करें तो पूरे साल बहुत ही गर्मी लगती है बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर द फ्यू मंथस लेकिन uh, विंटर की सीजन आती है लेकिन कुछ मंथ्स के लिए कुछ दिनों के लिए द टेम्परेचर इज क्वाइट लो उस टाइम टेम्परेचर कम होता है दिस रीजन रिजीव वेरी लिटल रेन फॉर और ये टाइम में बहुत ही कम बारिश होती है दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट वहाँ पर टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होता है हॉट एंड ड्राई द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिजीव रेन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया होता है हमारा ईस्ट आसाम मेघालय वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती है Therefore, we can see the climate of the north East is wet. So वेट सो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते कि north ईस्ट का क्लाइमेट थोड़ा wet है आगे की पढ़ाई part टू में करेंगे Thank you so much। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच